सो हे गाइज व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड दिस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज आज किस वीडियो में हम एम आधार एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एम आधार एप्लीकेशन के द्वारा आप अपना आधार कार्ड अपने फोन से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है तो आप एम आधार एप्लीकेशन के द्वारा ही अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो आज किस वीडियो में आपको एम आधार एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं हमारे चैनल पर लेटेस्ट टॉपिक्स पर न्यू न्यू वीडियो लाते रहता हूँ। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप अपने फोन में एम आधार एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लें। मैंने अपने फ़ोन में पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इस एप्लीकेशन से आप अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने आधार कार्ड को अपने घर पर कैसे मंगवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सभी परमिशंस को अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आपको स्किप करना होगा, इसके बाद यहाँ पर आई कंसेंट पे टैप करना होगा। अब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज चूज करके कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अदर किसी लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को चलाना है तो आप यहाँ से चूज करके चला सकते हैं, तो मैं इंग्लिश चूज करके कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपने वो मोबाइल नंबर डालने जो आपने अपने आधार कार्ड को बनवाते टाइम दिया था, मतलब कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर रहे वही मोबाइल नंबर यहाँ डाल लें। इसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर टाइप करना है, जो कि मेरे फ़ोन में आ चुका है तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबमिट पे टाइप करते हैं। एम आधार एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने मिल जाएंगी जिनसे आप अपने आधार कार्ड की किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सर्विस दी हुई है आधार कार्ड डाउनलोड की, तो इस पर टैप करते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं आधार कार्ड डाउनलोड करने के, तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड नंबर पे टैप करूँगा। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपने आधार कार्ड नंबर डालने हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स में दिए हुए नंबर को नीचे टाइप करना है। अब यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट OTP पे टैप करना होगा। यहाँ पर आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर मेरे फ़ोन में OTP आ चुका है, मैं इसको यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। अब वेरीफाई फिर टैप करना होगा। वेरीफाई फिर टैप होती आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड की PDF को ओपन करने के लिए पासवर्ड डालने होंगे। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पर आप अपने नेम के फर्स्ट 4 लेटर डालने हैं जो कि कैपिटल में होने चाहिए, और अपनी ईयर डालनी है, मतलब कि आपका बर्थ कौन सी ईयर में हुआ था। पासवर्ड डालते ही ओके पे टैप करना होगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो गाइज आप एम आधार एप्लीकेशन का यूज करके कहीं भी किसी भी टाइम पर अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर आपको एक नया आधार कार्ड अपने घर पर मंगवाने के लिए ऑर्डर आधार रिप्रिंट का ऑप्शन देखने मिल जाता है। इस सर्विस से आप अपने घर पर विद इन 5 डेज में एक नया आधार कार्ड मंगवा सकते हैं। तो इस आधार कार्ड को अपने घर पर मंगवाने के लिए आपको ₹50 पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ आधार कार्ड अपने घर पर मंगवाने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आधार कार्ड से मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, इसके बाद इस बॉक्स में जो नंबर दिए हुए हैं उनको नीचे वाले बॉक्स में डालना है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पे
टैप करना होगा। अब यहाँ पर आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर टाइप कर देना है, जो कि मेरे फ़ोन में आ चुका है। अब यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। सो गाइज, लॉकडाउन की वजह से अभी आपके घर पर आधार कार्ड आप नहीं मंगवा सकते। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद ये सर्विस अवेलेबल हो जाएगी, तो उसके बाद आप अपना आधार कार्ड अपने घर से ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट में अपना पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए आपको UPI का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डेबिट कार्ड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं हमारे इस चैनल पर लेटेस्ट टॉपिक्स और न्यू वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।